intensifying search and rescue operation in the wreck of the Titanic, which lies some 12 and a half. They are being analyzed. We are very aware of the time sensitivity around this mission. Even if the sub is found in time. अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं शब्बीर अंसारी और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं गुज़श्ता दिनों डूबने वाली टाइटन सबमर्सिबल के बारे में। टाइटन सबमर्सिबल 5 पैसेंजर्स को अपने साथ लिए कनाडा से निकलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ओशन की तरफ, जहां पर इसका मकसद है तकरीबन 110 साल पहले यानी कि 1912 में डूबने वाली टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए जाना, जो कि सतह समंदर से तकरीबन 4.25 किलोमीटर अंदर वाके है। स्पेसिफिकली कहूँ तो 3810 मीटर अंदर वाके है। ये अपने साथ लेके जा रही है 96 आवर्स का ऑक्सीजन, लेकिन हाँ अनफॉर्चुनेटली इसके डाइव करते ही तकरीबन 1.25 घंटे के बाद ही इसका ज़मीन से रबता मुनकता हो जाता है और यहाँ से इसका काउंटडाउन शुरू हो जाता है इसको रेस्क्यू करने के लिए, क्योंकि रेस्क्यू अगर इनको किया जा सकता था तो सिर्फ 96 आवर्स के अंदर ही किया जा सकता था। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है 18 जून 2023 से, जहाँ पर 5 पैसेंजर जिनके नाम हैं, सबसे पहले हैं स्टॉकन रश, जो कि इस सबमर्सिबल की कंपनी जिसका नाम है ओशियन गेट इसके मालिक हैं। और सेकंड नंबर पे हमारे पॉल हेनरी, जो कि एक फ्रेंच डीप सी एक्सप्लोरर हैं जिन्होंने समंदर की गहराइयों में काफ़ी ज़्यादा स्टडी की है। तीसरे नंबर पे हमारे हैमिश हार्डिंग, जो कि टाइटैनिक एक्सपर्ट हैं, ये काफ़ी बार गए हैं टाइटैनिक को देखने के लिए और टाइटैनिक की इंफॉर्मेशन में इनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है। और चौथे और पाँचवें नंबर पर हैं हमारे पाकिस्तान के एक बड़े बिजनेसमैन शहज़ादा दाऊद और उनके बेटे सलमान दाऊद। शहज़ादा दाऊद का पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है, बहुत ज़्यादा फलाही काम इन्होंने किया हुआ है। बहुत ही ज़्यादा जो इनकी बात जो मशहूर हुई है वो SUIT हॉस्पिटल है कराची के अंदर, और उसमें इन्होंने एक गुर्दे का पूरा जो पोर्शन है, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है उसमें गुर्दे का ज़ाहिर से बता एक पूरा पोर्शन ही अलग है, तो वो इनके डोनेट्स के ऊपर ही है। इसके अलावा इनकी बहुत ज़्यादा मालूम हमें अभी तक इंटरनेट पर तो है नहीं कि इनकी कंपनी के हवाले से पता, लेकिन इनके और दीगर खदमात के हवाले से तो नहीं पता इतना ज़्यादा, लेकिन ज़ाहिर से बता बड़े लोग तो खदमात तो करते ही होंगे। बहरहाल हम इनके लिए दुआ गोएं कि अल्लाह ताला इनके बख्श मखफरत फरमाए। सलमान दाऊद जो है वो नहीं जाना चाह रहे थे, लेकिन इनकी फूफो से पता चला, फादर के साथ इसलिए गए कि वो अपने फादर को फादर डे पे विश करना चाहते थे। तो ये थे इनके 5 पैसेंजर। इस ओशन गेट के पास 3 तरह की सबमर्सिबल है जिसकी इमेजेस आप देख सकते हैं, और ये तीसरी टाइटन थी जो कि सबसे ज़्यादा डीप सी के अंदर जा सकती थी। इसका पर्पज़ डीप सी एक्सप्लोर कराना टूरिस्ट को और वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करना। और ये सबमर्सिबल साइज़ में कुछ इस तरह से है आप देख सकते हैं। अगर आपके जहन में ये सवाल चल रहा है तो कि ये सबमर्सिबल क्या चीज़ है और सबमरीन में क्या डिफरेंस है, तो सबमरीन वो है कि जो अपने आप समंदर के अंदर जा सकती है और वापस भी आ सकती है, लेकिन सबमर्सिबल ऐसा है कि वो अपने मदर शिप के साथ इंटरकनेक्टेड हुई होती है। ऊपर से इसको ऑपरेट किया जाता है, ऊपर से ये कनेक्शन में रहती है, अंदर भी इसको ऑपरेट किया जाता है जैसे कि इस रिमोट गेम के थ्रू आप देख सकते हैं। लेकिन इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि अगर ये समंदर के ऊपर आ भी जाएगी तो ये खुल नहीं सकती। इसकी वजह यह है कि इसको बाहर से ही बंद भी किया जाता है और बाहर से ही खुला भी जा सकता है। कि अगर बिलफर्ज 96 आवर से पहले ये लोग अगर आ भी जाते और वहाँ पर इनको कोई भी खोलने वाला नहीं होता इनके सबमर्सिबल को, तो भी ये 96 के अंदर अगर इनका ऑक्सीजन ख़त्म हो जाता तो ये वैसे भी अपनी डेथ को चले जाते। तो ये सबमर्सिबल अपनी मदरशिप पोलार के साथ निकलती है और डीप डाइव के अंदर चली जाती है, जहाँ पर इनका प्लान होता है कि तकरीबन 3 से 4 घंटे के अंदर ये वहाँ पर पहुँच जाएंगे टाइटैनिक के रह जाएंगे टाइटैनिक के मलबे के पास, और इसी तरह से ये 4 घंटे वहाँ पर इसको एक्सप्लोर करेंगे और फिर इसी तरह से ये 3 या 4 घंटे के अंदर वापस आ जाएंगे। लेकिन होता ये है कि ये अभी वहाँ पर पहुँच भी नहीं पाती है कि 1.25 घंटे के अंदर ये अंदर जा ही रही होती है कि इसका बाहर ही इसकी मदरशिप के साथ इसका कनेक्शन ख़त्म हो जाता है। ये थोड़े थोड़े देर में एक सिग्नल भेज रही होती है जिसके ये लोग आपस में कनेक्टिंग में रहते हैं, लेकिन वो सिग्नल आना बंद हो जाते हैं। काफ़ी कोशिश करते हैं जो इसके ऊपर जो क्रू मेंबर बैठे होते हैं पोलार शिप में, लेकिन इनसे कोई भी रबता नहीं हो पाता। लेकिन ऐसा इनके साथ पहली बार नहीं हुआ होता है, ऐसा कई बार हो चुका होता है, क्योंकि ये टाइटन सबमर्सिबल तकरीबन 12 बार टाइटैनिक के मलबे को देखकर आ चुकी होती है। अब ऐसा इनके साथ पहले भी होता रहा है कि कनेक्शन टूट जाता है कनेक्शन आता, तो इसलिए इतना ज़्यादा ये सीरियस नहीं लेते। लेकिन जिस टाइम पे इस सबमर्सिबल को वापस आना होता है और ये उस टाइम पे नहीं आती है, तो फिर ये US कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म करते हैं और वहाँ से फिर इनको रेस्क्यू की शुरुआत हो जाती है। ये कितनी ज़्यादा गहराई है आप इस वीडियो के साथ अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा गहराई के अंदर जाना होता है कि तकरीबन 3000 मीटर पर तो रोशनी भी आना, जो सूरज की रोशनी वो तक के भी समंदर की गहराई में ख़त्म हो जाती है, उससे नीचे सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती है। उसके नीचे सिर्फ ये सबमर्सिबल या कोई भी अगर जो इस तरह से रिमोट वगैरह जाते हैं वो अपनी रोशनी पे ही डिपेंडेंट होते हैं।
और उससे भी ज़्यादा गहराई में, और काफ़ी ज़्यादा ऊपर की सतह पे ही जो बड़े बड़े जो मरीन्स लाइफ हैं जैसे कि वेल है, शार्क, वो भी इतने ज़्यादा गहराई के अंदर नहीं जाते और इतने ज़्यादा गहराई के अंदर जो क्रिएचर्स मिलते हैं उनकी आप इमेजेस अगर आप देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा भयानक कुछ दिखते हैं। रेस्क्यू में 3 ममालिक की कोस्ट गार्ड लग जाती है, फ्रांस, कैनेडा और US नेवी, ये इनकी कोस्ट लग जाती है जिसके अंदर ये जहाज़ का भी इस्तेमाल करते हैं, मरीन्स सबमरीन्स का भी इस्तेमाल करते हैं। अगले दिन कुछ खुशखबरी के तौर पे आप ये कह सकते हैं कि एक इन्फॉर्मेशन आती है जिसके अंदर ये पता चलता है कि उनको कुछ आवाज़ें सुनाई दी और ये आवाज़ें इनको दोनों यानी कि दोनों ममालिक के कोस्ट गार्ड को सुनाई देती हैं, तो लोगों को एक थोड़ी सी उम्मीद जगती है शायद ये जिंदा हों, इनको रेस्क्यू कर लिया जाए। लेकिन बाद में कुछ ही घंटों के बाद या शायद नेक्स्ट डे इन्फॉर्मेशन आती है कि भाई उनके पास जो इन्होंने रोबोट जो भेजा था उसने कुछ पुर्जे हासिल किए हैं, उन्हें कुछ पुर्जों को देखा है जो कि टाइटन के हैं, और फिर टाइटन के इन टुकड़ों को देखने के बाद फिर रेस्क्यू टीम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और वहाँ पर ये ऐलान कर देती है कि भाई ये पांचों के पांचों पैसेंजर जो है वो उनकी मौत हो गई है। अपनी डिटेल में ये बता दें कि इसके साथ जो हादसा पेश आया वो इम्प्लोड होने की वजह से पेश आया। एक्सप्लोड का तो आपने अक्सर देखा होगा बम धमाकों में, भाई बम एक्सप्लोड हो गया, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ एक्सप्लोड यानी कि अंदर से बाहर की तरफ फैल जाए उसको कहते हैं एक्सप्लोड, और कोई चीज़ बाहर के प्रेशर से अंदर एक दबाव बना के अंदर की तरफ पस्त हो जाए उसको कहते हैं इम्प्लोड। ये वीडियो आप देख सकते हैं, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इम्प्लोड कितने प्रेशर पे इम्प्लोड किस तरह से होता है। और मैं यकीनन आपको दावे से कह सकता हूँ आपने पलक भी नहीं झपकाई होगी कि आपने ये देख लिया होगा, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उनके साथ क्या हुआ होगा। तो उनके तो बिल्कुल भी उनको पता तक ये नहीं चला होगा कि भाई हम मरने वाले हैं और इतनी देर में वो मर चुके होंगे। इम्प्लोड की वजह कुछ सेफ्टी इश्यूज़ का ही बताया जाता है, इन्होंने कोई सर्टिफिकेट हासिल किया नहीं था। ओशन गेट के मालिक थे उनके इंटरव्यू से पता चलता है वो सेफ्टी को लेके इतने ज़्यादा उस पर थे नहीं, वो कहते हैं कि भाई अगर सेफ्टी पे इतना ज़्यादा कंसर्न करना है तो फिर आप घर से ही नहीं निकलो, आप अपने कंफर्ट जोन के अंदर। ये वो बंदा है जिसने कोर्ट के अंदर केस भी फाइल किया था अगेंस्ट दी ओशन कंपनी अपने सेफ्टी के मसाइल को पूरा नहीं कर, लेकिन बाद में इनकी भी सेटलमेंट हो जाती है। और फिर इस तरह से कई बार जो पहले भी इस टाइटन सबमरीन में हो चुके होते हैं वो भी फिर अपना कंसर्न बताते हैं। फिर कुछ लोग इस तरह से भी आते हैं कि वो टाइटन के अंदर जाने वाले थे लेकिन लास्ट टाइम पर उन्होंने मना कर दिया था, और वो भी दोनों बाप बैठे थे लास्ट टाइम पर उन्होंने मना कर दिया था वो नहीं गए। बहरहाल के इस वाक्य आइंदा उम्मीद करते हैं कि जो भी इस तरह की कंपनीज हैं जो कि एक्सप्लोर कराती हैं, ना कि सिर्फ ये सी की कंपनीज बल्कि मैं ये कहूँगा कि जो स्काई डाइविंग कराती हैं, पैरासेलिंग वगैरह कराती हैं, स्कूबा डाइविंग वगैरह जो कराती हैं, वो अपने सेफ्टी इशूज़ को ज़्यादा बढ़ाएंगी ताकि इस तरह के आइंदा हमें इशूज़ देखने को ना मिले। गाइज अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलें क्योंकि मेरे पास सब्सक्रिप्शन बहुत कम है, और वीडियो लास्ट तक के अगर आपने देख लिया तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ। अल्लाह।